तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप की अपडेट के बारे में, जो कि आपको आपके सैमसंग गैलेक्सी में मिलेगी आफ्टर वन यूआई 6.1.1 अपडेट के बाद। और बहुत ही कमाल की ऐप है और जो इसके अंदर फीचर है ना यार, बहुत ही शानदार है। तो इसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में ये ऐप क्या काम करती है, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट के बारे में एक ऐप की। तो उसके लिए जाना आपको अपने मोबाइल गैलेक्सी स्टोर पे, गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा, सैमसंग विजन ऐप कोर, सैमसंग विजन कोर ऐप करके आपको ये नया अपडेट आपको मिल रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को रोल आउट किया गया 20 सितंबर को। इसका अपडेट वर्ड साइज है 1388.46 MB का और इसका वर्जन नंबर है 1.1.11.10। तो अब बात करें, पहले तो मैं अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी ये ऐप काम क्या करती है या फिर इसका फीचर का मतलब क्या है। दोस्तों ये ऐप का काम ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले एक फीचर के बारे में, जिससे आप अपने लॉक स्क्रीन में कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपके जो भी करंट वेदर है उसके हिसाब से आपको दिख जाए। लाइक आपके बाहर रेन बारिश आ रही है तो रेनिंग के इफेक्ट्स आने लग जाए, स्नोफॉल आ रही है तो स्नोफॉल के इफेक्ट्स आने लग जाए, या बाहर धूप है तो सनलाइट के इफेक्ट आने लग जाए। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है और इसका मेन काम यही है कि जो बाहर चल रहा हो ना वो आपको सपोर्ट करता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस सोल्यूशन सपोर्ट चेंज इन द वॉलपेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर टाइम, वेदर और टाइम के हिसाब से ये आपके मोबाइल में एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि मान लो अभी मेरे मोबाइल में नाइट हो रही है तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर नाइट इफेक्ट्स ही आपको दिख रहा हो। तो इस तरीके से फीचर काम करता है। तो एक बार इसको होने देते हैं अपडेट, फिर मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताता हूँ इसकी। तो फाइनली दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा था, 1300+ MB का ये अपडेट था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको अपडेट होने में। अब अपडेट होने के बाद मैं आपको नॉर्मली इसका यूज़ करना बता दूंगा, कैसे इसको यूज़ करेंगे, और एक्चुअल इसकी परफॉर्मेंस तब पता चलेगी जब आपके यहाँ वेदर चेंज होगा। जैसे अभी कोई वेदर चेंज नहीं होगा तो आपको परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी, जब आप इसको लगा देंगे उसके बाद जब दिन में या मॉर्निंग में या नाइट में जब भी आप यूज़ करेंगे ना तो आपको इसको इफेक्ट लगा ही देगा कि चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ से ओपन नहीं होगा, तो इसको ओपन करने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना होगा। तो उसके लिए मैं चलते हैं सेटिंग्स। तो इसके लिए जाना है सेटिंग्स पर, सेटिंग्स पर आ गए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर गैलेक्सी ए। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको जाना है वॉलपेपर एंड सर्विसेज पे, चेंज वॉलपेपर पे, एंड देन नीचे की तरफ आएंगे, क्रिएट आई में आपको मिल जाएगा फोटो, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, फोटो एम्बिनेट करके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है अबाउट फोटो वॉलपेपर में जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है किस तरीके से ये फीचर काम करेगा। तो आपको इसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। ट्राई नाउ पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट आइटम, कोई सी भी एक अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। कोई सी भी अपनी एक फोटो को जिसको आपको अपने लॉक स्क्रीन पर लगाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी अब आपको दिखाई देगा कि कैसा इफेक्ट्स वहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इफेक्ट कर दिया तो रेन आएगी, तो रेन का इफेक्ट ऐसा दिखाई देगा, आप देख रहे हैं। अगर वहाँ पर कुछ अगर रेन आएगी तो ऐसे दिखाई देगा, स्नोफॉल आएगा तो ऐसे आपको इफेक्ट्स दिखाई देंगे, और अगर आप सनलाइट में रहेंगे तो सनलाइट इफेक्ट दिखाई देगा। तो आपको सिंपल इसको डन कर देना है। डन करने के बाद ये फाइनली अप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके वेदर के हिसाब से ये आपको अपडेट करेगा कि भैया ऐसे ऐसे अपडेट्स आए हैं या फिर ऐसा ऐसा वेदर आपके यहाँ चल रहा है। एज अ टाइम, टाइम के हिसाब भी चेंज होगा और मौसम के वेदर के हिसाब से भी चेंज होगा। जैसे ये अप्लाई हो चुका है, अप्लाई करने के बाद जब भी मैं लॉक करूँगा, लॉक करने के बाद मैं अनलॉक पे क्लिक करूँगा तो ये वेदर आपको यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी कोई वेदर में कोई ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं है तो नहीं दिख रहा है। अगर बादल हो तो थंडर बादल टाइप दिखाएगा, रेन होगी तो रेन आ जाएंगे, और अगर स्नोफॉल तो इंडिया में होते ही नहीं है तो वो नहीं दिखाई देगा। बाकी स्नोफॉल शिमला में होता है, मतलब हमारे यहाँ भोपाल में तो नहीं होते, वो नहीं दिखाई देगा, जो नॉर्मल है आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। अब इस अपडेट्स में बात करें क्या नया चेंजेस किया, ऑफिशियली कुछ नया चेंजेस तो नहीं किया गया, बस उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव की गई है और एक्यूरेसी को यहाँ पर इंप्रूव कर दिया गया होगा। तो आपको इसको अपडेट जरूर करना है और अपडेट करके आप मुझे बताना है कि आपको ये फीचर कैसा लगा और आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो हम डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले
और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच।